हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइनरी ब्रेन्स। आज हम बात करेंगे बस कंटेंशन और ट्राई स्टेट बफर की। तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्टर्स के बीच जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। तो जिस रजिस्टर से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो सोर्स रजिस्टर कहलाता है, और जिस रजिस्टर में डेटा को हम स्टोर करते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस रजिस्टर से डेटा रीड किया जा रहा है या जिस रजिस्टर में रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है वो हमारा सोर्स रजिस्टर है, और जिस रजिस्टर में डेटा राइट किया जा रहा है या जिस रजिस्टर में राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर कहलाता है। तो सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर के बीच डेटा ट्रांसमिट करने का काम जो है वो डेटा बस द्वारा किया जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स तो हमारे पास कई अवेलेबल है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कह लीजिए या 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कह लीजिए। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। अब इन सभी नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स को अलग अलग एक ही डेटा बस द्वारा कनेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है कि एक ही डेटा बस सोर्स रजिस्टर से मिलने वाले जितने भी डेटा है उसको शेयर करती है, और ये प्रोसेस करते समय डेटा जो है वो ट्रांसमिट होने में कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं जो कहलाता है हमारा बस कंटेंशन। तो बस कंटेंशन क्या है? यदि एक समय में एक से अधिक सोर्स रजिस्टर्स द्वारा बस पर डेटा भेजा जाता है तो बस में जो अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कन्फ्लिक्ट की कंडीशन जनरेट होती है, उसको हम बस कंटेंशन या बस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ओके, तो बस कंटेंशन की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि बस कंटेंशन की वजह से हमारा जो हार्डवेयर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। मींस रजिस्टर्स को या हार्डवेयर को बनाने में जो मॉस्फेट यूज़ होते हैं वो उस बस कंटेंशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बस कंटेंशन। बस कंटेंशन की कंडीशन को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बस कंटेंशन की कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो चिप सिलेक्ट सिग्नल है उसको यूज़ करते हैं। उस चिप सिलेक्ट सिग्नल को यूज़ करने से क्या होगा कि हम जो भी डेटा जिस रजिस्टर से ट्रांसमिट किया जाना है उस रजिस्टर से नेक्स्ट रजिस्टर में मूव करने से पहले उस चिप सिलेक्ट सिग्नल की हेल्प से हम कुछ क्लॉक पल्सेस का डिले प्रोवाइड कर देते हैं, जिस वजह से जब सपोज़ बी रजिस्टर से हमने डेटा ट्रांसमिट करा उसी समय हमें डी रजिस्टर पेयर से भी डेटा ट्रांसमिट करना है तो इन दोनों रजिस्टर पेयर्स के बीच में हम कुछ क्लॉक सिग्नल्स का डिले डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ चिप सिलेक्ट सिग्नल। तो जब डिले होगा उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो पाइपलाइन में आ जाएगी डेटा बस में, और किसी भी तरीके से डेटा कन्फ्लिक्ट की कंडीशन अराइज नहीं होगी। दूसरा प्रोसेस क्या है बस कंटेंशन को रिमूव करने का कि हम हर एक रजिस्टर को एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड या पर्टिकुलर बाइनरी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर एड्रेस को डिकोड करने के लिए एक पर्टिकुलर डिकोडर सर्किट होता है। सो फॉर ईच एंड एवरी रजिस्टर देयर इज सम पर्टिकुलर डिकोडिंग सर्किट। जब सब रजिस्टर्स के लिए अलग अलग डिकोडिंग सर्किट्स होंगे तो उस कंडीशन में जो डिकोडर चिप सिलेक्ट सिग्नल की हेल्प से वर्किंग कंडीशन में आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोर्स रजिस्टर से ही डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से भी सभी सोर्स रजिस्टर से ट्रांसमिट डेटा ट्रांसमिट होने वाली बस कन्फ्लिक्ट की कंडीशन को या बस कंटेंशन की कंडीशंस को हम ख़त्म कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बस कंटेंशन। Now we will discuss about the tri-state buffer. So, first of all, what is buffer? Buffer is the logical circuit that can store a bit for a clock pulse. So,
तो बफर के द्वारा हम किसी भी डिजिटल इनपुट को, डिजिटल इनपुट दैट इज़ ईदर 0 और 1 को, कुछ पर्टिकुलर क्लॉक पल्सेस दैट इज़ ईदर 0 और 1 के लिए हम सिग्नल को स्टोर कर सकते हैं, एंड देन दैट सिग्नल इज एज इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनपुट साइड टू द आउटपुट साइड। मीन्स बफर हमारे उस इनपुट सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है, ये उस इनपुट सिग्नल को एज इट इज़ इनपुट साइड से आउटपुट साइड में ट्रांसमिट कर देता है। तो ट्राई स्टेट बफर को डिज़ाइन करने के लिए इसके हार्डवेयर में 3 टर्मिनल हैं, 2 आपके इनपुट टर्मिनल हैं और 1 आपका आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल जो 2 हैं उनमें 1 इज़ इंडिकेटेड बाय एक्स एंड अनदर 1 इज़ इंडिकेटेड बाय सी, जहाँ एक्स हमारा नॉर्मल इनपुट हो गया, सी हमारा कंट्रोल सिग्नल है और जेड आउटपुट सिग्नल है। तो जो हमारा ट्राई स्टेट बफर है इट वर्क्स ओनली फॉर द एक्टिव हाई कंट्रोल। जब हमारा कंट्रोल सिग्नल एक्टिव हाई होगा, मीन्स उसमें हम 1 इनपुट देंगे, तभी हमारा ट्राई स्टेट बफर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होगा, मीन्स उसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। तो जब हम इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ मूव करते हैं तो कंट्रोल सिग्नल जब हाई है दैट इज सी इज 1, फॉर 0 इनपुट आउटपुट विल बी 0 एंड सी इज 1 अगेन, देन फॉर 1 इनपुट आउटपुट इज 1 दैट इज आउटपुट इज हाई। मीन्स इफ कंट्रोल सिग्नल इज हाई देन फॉर 0 इनपुट आउटपुट विल बी 0, फॉर हाई इनपुट आउटपुट विल बी हाई। ओके, नाउ इफ वी मेक चेंज लाइक दिस कि हम हमारे इस एक्टिव कंट्रोल को हाई ना करके लो कंडीशन में कन्वर्ट करते, तो जैसे हमारा ट्राई स्टेट बफर का कंट्रोल सिग्नल लो इनेबल कंडीशन में आएगा, आपका जो बफर सर्किट है वो हाई इम्पिडेंस की स्टेट में चला जाएगा। मीन्स ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, हमारे इनपुट में जो भी चेंजेस होंगे आउटपुट में हाई इम्पिडेंस की कंडीशन ही बनी रहेगी। दैट इज़ इंडिकेटेड बाय द सेकेंड ट्रुथ टेबल, दैट इज़ फॉर लो इनेबल इनपुट इन एक्टिव कंट्रोल सिग्नल दैट इज़ 0 0, इफ इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी जेड दैट इज़ हाई इम्पिडेंस कंडीशन। अगेन फॉर 0 और लो इनेबल कंट्रोल सिग्नल इफ इनपुट इज 1 दैट इज़ हाई आउटपुट विल रिमेन द सेम दैट इज इन योर हाई इम्पिडेंस कंडीशन। ओके, सो बाय कंपाइलिंग दीज कंडीशंस वी विल मूव टूवर्ड्स द lower truth table where input is indicated by again same x, c is your control signal and z is your output. तो जब हम देख रहे हैं कि c हमारा 1 है that is active high, तो 0 input output is 0, 1 input और high signal output is 1, while अगर हमने control signal को 0 that is low enable कर दिया तो इनपुट हमारा चाहे 0 से 1 वेरी कर रहा है लेकिन आउटपुट में हमेशा हाई इम्पिडेंस की कंडीशन रहेगी। मीन्स इसके आप साइड बाई सर्किट में आइए, दैट इज़ इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ स्विच। अगर हमारा x इनपुट है, z आउटपुट है, तो c जो कंट्रोल सिग्नल है ये एक स्विच की तरह शो करेंगे। मीन्स अगर c 1 है तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा, मीन्स द करंट विल पास फ्रॉम x टू z, दैट इज़ जो हम एक्स में हमने जो इनपुट दिया दैट इज़ ईदर 0 और 1 और यू कैन से लो और हाई, आउटपुट विल रिमेन लाइक सेम दैट इज़ 0 और 1 दैट इज़ ईदर 0 और ईदर लो और हाई। मीन्स अगर बिकॉज इट विल वर्क लाइक अ सिंपल स्ट्रेट वायर क्लोज्ड सर्किट, और वहीं अगर हमारा सी 0 हो गया दैट इज़ एक्टिव लो इनेबल, तो जो कंट्रोल सिग्नल है वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। मीन्स आप इनपुट में दैट इज़ एक्स में कोई भी चेंज करें, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हाई इम्पिडेंस कंडीशन, दैट इज़ इट इज़ योर वर्किंग एज एन ओपन स्विच। सो हेयर वी आर गेटिंग 3 कंडीशंस दैट इज़ 3 स्टेट फॉर द आउटपुट, 1 इज 0, 1 इज सेकेंड 1 इज 1 एंड थर्ड वन इज हाई इम्पिडेंस, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड योर ट्राई स्टेट बफर। ओके, नाउ वॉट इज ट्राई स्टेट बस, द आउटपुट ऑफ ट्राई स्टेट बफर दैट इज कनेक्टेड विद द शेयर्ड बस। जब हम ट्राई स्टेट बफर का आउटपुट बस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज योर डेटा बस, तो जो ओवरऑल सर्किट या ओवरऑल हार्डवेयर जो निकल के आता है वो कहलाता है हमारा ट्राई स्टेट बस। ओके, और अगर हमारा ट्राई स्टेट बफर या ट्राई स्टेट बस का आउटपुट हाई इम्पिडेंस कंडीशन में है,
मीन्स हमारी जो कंट्रोल सिग्नल है बफर का वो लो इनेबल है, तो उस समय उस पर्टिकुलर सर्किट से आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा और यू कैन से दैट आउटपुट इज़ इन फ्लोटिंग कंडीशन, मीन्स उससे कनेक्टेड कोई भी डिवाइस वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राई स्टेट बफर एंड ट्राई स्टेट बस. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल. थैंक यू.